जनरली स्पीकिंग गाइज, ये जगह सच में वर्थ इट है। मतलब जितने दिनों से मैं वेट कर रहा था इस चीज का कि मतलब आई के जाएंगे, मैं काफी व्लॉग्स में बोल। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो ईशान रानी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज है हमारा चैलेंज का डे 21 और फाइनली तुम्हारे भाई ने 21 डेज का जो माइलस्टोन होता है वो अचीव कर लिया है। और जैसा कि मैंने पिछले कल बोला था कि तुम्हारा भाई आईकिया जा रहा था पर कुछ कारणवश नहीं जा पाया, तो आज वो प्लान बन चुका है और पंडित भाई भी टाइम से आ गए हैं और ऋषि भाई भी हमारे घर पे हैं। तो आज की सवारी हमारी वॉक्सवैगन जटा, तो अब लेके जाता हूँ सीधे गाड़ी में ज्यादा बातें ना करते हुए और मिलाता हूँ अपने भाइयों से। ऋषि और अभी मेरे साथ जा रहे हैं और काफी अच्छा टूर रहेगा ये, मतलब काफी अच्छा ब्लॉग रहेगा ये और काफी अच्छा टूर रहेगा। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड और एंड तक जुड़े रहना ब्लॉग के, और जो भी मैं चीजें दिखाऊंगा वहां पे इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपके काम आ सकती हैं और बहुत ही अच्छा ब्लॉग रहेगा ये, ट्रस्ट मी। और चलो चलते हैं सीधे गाड़ी में ज्यादा बातें ना करते हुए, तो मिलता हूँ सीधे गाड़ी। लेट्स गो, चलते हैं फिर। काफी अच्छा धूप का प्रकोप आज भी, और बट तुम्हारा भाई रुकेगा नहीं तुम्हारे लिए, जाके रहेंगे आज तो। और ये बैठे हैं अपने अभी और ऋषि। राम राम बोल दो भाइयों ने। राम राम भाई, राम राम। चलो भाई, पंडित की तो आवाज ही निकलती है, इसकी तो लड़कियों की तरह आवाज है। अरे ये किसका पर्स पड़ा, लड़कियों का? ओ माय गॉड। तो भाई जिन भी भाइयों ने लगा भी पठानिया भाई आप कहाँ रहते हैं, तो मैं रहूँ भाई वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट बन रहा था, उसके पास में हमारा सबर्ब ना, तो ये बस अभी कटने लग रहे हैं यहाँ पे अपना वेस्टर्न सिडनी, सब मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है ये, तो मैं उसके पास रहता हूँ। और इस जब ये ओपन हो जाएगा तो इसका भी आपको एक अच्छा सा व्लॉग देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी जुड़े रहिए। तो आज तुम्हारा पठानी भाई कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा है, और उस बारे में मैं बता दूं भाई, मेरे आदित्य भाई एक थे, उन्होंने कोई कमेंट करा था कि भाई आपका इलेक्ट्रिशियन आया अभी तक तो नहीं आया। तो भाई मैं बता दूं, हमारा जो ना मतलब सेंट्रल एसी है, तो उसका क्या सिस्टम रहता है कि अभी मतलब हमारा नया ही घर है प्रॉपर, तो उसका जो मतलब जो यूनिट है वो उसमें कुछ हमारा ना बिजली का कनेक्शन कुछ कट गया था, तो एकदम से फिर दोबारा से हमने नया कनेक्शन लिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि फिर वो एसी का जो पता नहीं ट्रिप हो गया था कि क्या हो गया था, हमें उसका हमने पूरी घर में उसका सॉकेट ढूंढा, हमें मिला नहीं, पता नहीं क्या था वो, कुछ एक होता है पिछले घर में हमारे साथ ऐसी सेम एक्टिविटी हुई थी, तो उसमें खासे पैसे लग जाएंगे, $400-500 लग जाएगा। तो हमने सोचा कि वारंटी में था और साथ में, तो हमने सोचा हमने उसी कंपनी को फोन किया, तो उस टेक्नीशियन ने बोला कि कम से कम 9 दिन और लगेंगे, तो तुम्हारे भाई को 9 दिन और ऐसे ही पंखे के नीचे सोना पड़ेगा। तो काफी दुख है, और इसके लिए आप पंडित भाई को ब्लेम कर सकते हैं, काफी बेशरम चेहरे। अगली बार से हम रेंट नहीं लेंगे, महीना हो गया है एसी चले हुए, हम रेंट देना ये बंद कर देंगे, लैंडलॉर्ड है बड़ा ये चेक बोर्ड। तो यो पहुंच गए भाई हम माउंट रूट, और जिन भी भाइयों ने पता होगा यहाँ उड़े रहते होंगे तो काफी खतरनाक एरिया है ये। क्या बोलना चाहेंगे पंडित भाई इस बारे में? बस बहुत खतरनाक एरिया। अरे भाई, तो यहाँ पे भाई रात को ऐसे अनसेफ इलाका है, चाकू चुकू बच जा, तो इस एरिया में जो भी लोग हैं या मूव हो रहे हैं या रहते हैं तो काफी छपरी है, निब्बा निब्बी, तो बच के रहें। और पॉकेट स्नैचर, चेन स्नैचर वो काफी है इस एरिया में, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का मन नहीं करता इन लोगों का, तो बच के रहें, क्योंकि बचे रहोगे तो ही जुड़े रहोगे अपने पठानिया भाई के साथ, तो आपकी सेफ्टी बड़ी ज़्यादा मैटर करती है मुझे, तो सुरक्षित रहें। तो यहाँ पहुँच गए भाई आइकिया, देख लो कहाँ से शुरू होएगा ये, कितना बड़ा, और ये देख लो कितना बड़ा भाई सिस्टम बैठा रखा। तो यहाँ पहुँच गए भाई तुम्हारा भाई आइकिया, तो देखो एक बार, काफ़ी मौज कट रही है यहाँ पे, लौंडे भी जुड़े हैं हमारे साथ, और हमेशा इसका ध्यान रखें, ऐसी जगहों पे चलें नहीं तो आपको कोई भी आते जाते ठोक सकता है, पर फिर भी आप पैसे क्लेम कर सकते हैं उनसे। तो यहाँ पहुँच गए भाई अंदर, और ये है कुछ एंट्रेंस, तो ये देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी आइल है ऊपर तक, जैसे कि मैंने बोला था ये एक काइंड ऑफ वेयर हाउस ही है, और यहाँ पे कितनी आयल चाहिए देख सकते हैं। ये क्या कर रहा पंडित? इसका नाम रखेंगे शेरू कुत्ता। भाई ऐसे लग रहा है जैसे फैक्ट्री आ गए हैं, मतलब ये तो फैक्ट्री है खतरनाक ही। अरे यहाँ स्टॉक है वैसे, नहीं करता ये, इन्हें भी कुछ कर ले सकता, इधर उधर रखी, काफी अच्छा सामान यहाँ पे देख सकते हैं, पैसे भी चेक कर सकते हैं साथ में, अपनी लेगो वास्ते लूंगा। अरे लेगो के लिए तो पागल हो जाएगा तू। तो यो भाई ऐसा सिस्टम है, जैसे आपको कुछ भी खरीदना है तो ऐसे ही इसका डिस्प्ले लगा होगा और वो पीछे डब्बों में पड़ा,
डब्बों में उठाओ, पसंद करो उठाओ और ट्रॉली में डालो अपनी और ले जाओ, साथ में प्राइस भी चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे ऐसे स्क्रीन लगी होती है, आपको कुछ भी मतलब पूरे वेयर हाउस में जो भी सामान है वो इसके अंदर फीड है, और आपको कुछ भी लेना है तो एक बार हमारे पंडित भाई बताएंगे कैसे करते हैं। पंडित भाई बताइए कैसे कैसे करना है। कुछ नहीं, अपनी डिटेल भर दे, बस साइज भर दे कमरे का, सारा कुछ भी आपको चाहिए, मिरर चाहिए तो ये जितने भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी मिरर वगैरह की तो वो दिखा देंगे आपको, और आप देख सकते हो उसका साइज सुई सब चेक कर सकते हो, और किस आयल में कौन सा प्रोडक्ट है वो भी आप चेक कर सकते हो। ये बढ़िया, तो ये इस तरह से वर्क करती है ये सब चीज, तो ये बहुत ज्यादा सही चीज है। तो भाई ये है, जैसे मैं बातें करता रहता हूँ कि अपना हम जैसे अपना पूरा घर का टच बदल रहे हैं, मतलब पूरा फर्नीचर डाल रहे हैं, जो भी मतलब कैसा हमारा घर दिखेगा, तो आप यहाँ पे एक बार पंडित जी दिखाएंगे आपको कि आप ये टच देख सकते हैं। इन्होंने छोटा छोटा बना के देखा है, बना के दिखाया है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, तो आप फील भी ले सकते हैं बैठ के यहाँ पे, मतलब लेने से पहले कोई भी चीज तो आप ऐसे फील ले सकते हैं बैठ के कि आपको कितना कंफर्ट मिलेगा और आप कैसे दिखेंगे बैठे हुए, जैसे कि तुम्हारा भाई कितना शानदार लग रहा है आज। तो जैसे आपको कैफे और रेस्टोरेंट्स में ऐसे टच देखने को मिलते हैं जगह जगह कि जो आपको लगता है कि बड़े सही लग रहा है, तो आप अपने घर के लिए भी सेम चीज, मतलब काफी जो अच्छे घर हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती हैं चीजें, तो आप ऐसे बैठ के ऐसी फील ले सकते हैं कि देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, और ये सब वाटर प्रूफ है, और जिसकी जो भी खासियत है वो यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं, QR कोड आप चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा टच है ये। और पंडित भाई और ऋषि भाई काफ़ी अच्छा नज़ारा लेते हुए, चाय मंगा दूँ भाई आपके लिए। तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे काउंटर बन रहे हैं और काफ़ी अच्छी छोटे छोटे टच हैं जिससे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको कैसी कस्टमाइजेशन करनी है। वो पीछे स्पीकर टंग रहा है, और ये कुछ अच्छी बैठने की जगह, ये भी आप चेक कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा एक बैठने का एरिया, और वैसे ऐसा टच दे के पीछे बारबेक्यू है ये, तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसा माहौल चाहिए आपके घर में या जो भी आप अपना कैफ़े या रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, और अपने हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं उस चीज़ की। तो जैसा कि मैंने कहा था, ऐसे छोटे छोटे टच हैं, इससे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको जो भी सजावट करनी होगी अपने घर में, मतलब जिस भी चीज़ का आपको शौक़ है यहाँ पर सब मिल जाएगा, गार्डनिंग और जो भी है, मतलब जो आप देखते होंगे किसी के घर में कि मतलब किसी आर्किटेक्ट या किसी घर बनाने वाले डिज़ाइनर ने तो कैसे वो आइडिया ले रखा, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बार आएं और ज़रूर लुफ्त उठाएं इस चीज़ का, और अपने घर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें। तो इन्होंने सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा गार्डनिंग वुडनिंग वाला सेक्शन है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है यहाँ पे भी, और काफी ज्यादा सही। कई लोग सोच रहे होंगे कि पठानी भाई आपकी आवाज इतनी दब कैसे गई, तो यहाँ पे कुछ अच्छे घरों से लोग आ रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी धीमी आवाज में बोलूँ, और यहाँ पे कुछ छपरी लोंडे आप देख सकते हैं हवाबाजी करते हुए आईफोन के आगे फोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया पे लगाएंगे और दिखाएंगे कि हमारे पास आईफोन है। तो भाई ये है अपना अंदर का सेक्शन, मतलब इन्होंने ना सारे मतलब वो डिस्प्ले करने के लिए सारी चीज़ें बना रखी हैं, तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हो कि मतलब जो भी आपको चीज़ें चाहिए यहाँ पे 29 कुछ सेक्शंस हैं, मतलब घर के अलग अलग अपने हिसाब से जैसे भी आपको कस्टमाइज करना है। तो ये अपना फोटो फ्रेम वाला सेक्शन है सारा, तो यहाँ पे सारे फ्रेम्स मिलेंगे आपको, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस बात से आप आइडिया ले सकते हैं एक बार कि जिस भी प्रकार के आपको फ्रेम चाहिए, यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि अगर मैं आपको एक व्लॉग में दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी ये चीज़, तो आपको खुद आके खुद उस चीज़ का लुफ्त उठाना पड़ेगा, और बाकी जितना मैं दिखा सकूँ उतना मैं दिखाऊंगा ही। और इन चीज़ों के आप प्राइस भी चेक कर सकते हैं साथ के साथ, और जिस भी साइज़ का आपको कोई फ्रेम चाहिए तो वो आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने वो मेन स्क्रीन में दिखाया था आपको, जो इनकी कंप्यूटर टाइप्स हैं, तो वहाँ पे आप वो डाल के
अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के जो भी है, जिस प्रकार का आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक थिंग है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये चीज़ देख के खुशी मिल रही है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम अपने मतलब लिविंग एरिया और अपने गराज के लिए रग्स ढूंढ रहे हैं, तो ये हैं भाई कुछ अच्छे रग्स, और ये पूरा सेक्शन उससे ही है भरा हुआ, कारपेट या रग से। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, हम भी देख लेते हैं कुछ, और जो भी चीज़ें यहाँ से लेंगे हम, या इन फ्यूचर, आज तो चल देखने आए हैं, और इन फ्यूचर हम जो टच हमने अपने घर को देना है तो यहीं से लेके जाएंगे हम सारी चीज़ें, और अपने घर को सजाएंगे, काफ़ी अच्छा बनाएंगे उसको। तो उसको जानने के लिए भी जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई उरे इतनी चीज़ें हैं ना, इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब गिनती में। तो हमारे लड़के काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि क्या लें और क्या नहीं। तो क्या पसंद आया पंडित भाई, क्या लग रहा है? सब कुछ ले लेना ना, ना मेन गेट वास्ते सही है ना, मेन गेट वास्ते सही है जो बढ़िया ना फ्रंट गेट। हां ओ भाई थी भेज दियो फोटो, एक नंबर। और ये हम साथ के साथ सचिन भाई को चीजें की फोटो भेज रहे हैं, क्योंकि सचिन भाई बोल रहे हैं कि जो भी पसंद आए ले लियो, बस मैं पैसे भेजता रहूंगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो काफी कई चीजों के मतलब काफी चीप प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो भी आपको दूसरी जगहों पे मिलेंगी। तो यहां पे काफी चीप प्राइसिंग में चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर टच हैं। और ये लैंप्स का कुछ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू, काफ़ी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे। व्हाट अ वंडरफुल जगह, मज़ा आ गया भाई यहाँ पे आके, तो मतलब ये वर्थ इट है जो भी मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था। तो जनरली स्पीकिंग गाइस, ये जगह सच में वर्थ इट है, मतलब जितने दिनों से मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का कि मतलब आई के जाएंगे। मैं काफ़ी व्लॉग्स में बोल रहा था कि हम जा नहीं पा रहे थे किसी कारणवश। तो आप एक बार 360 में देखो ये जगह, और सोचो कि जब आप यहाँ पे होंगे और इन चीज़ों को देख रहे होंगे तो आपका मन करेगा यार ये भी ले लूँ। तो अपनी पॉकेट का भी ध्यान रखें, क्योंकि खर्चे बहुत हाई हैं ऑस्ट्रेलिया में, और चीज़ें तो एक से बढ़कर एक लाजवाब हैं। तो मज़ा आता है भाई इन चीज़ों को देख के। तो भाई इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे आपको ये डिस्प्ले लगी है सामने, इन्होंने पूरी वॉल में डिस्प्ले लगा रखी है ना, तो जैसे ही आपको कोई चीज़ पसंद आई तो उसके नीचे ही बॉक्सेस रखे होंगे, तो आप वो चीज़ पसंद कर सकते हैं उसी वक्त और उठा सकते हैं, और सीधे जाके काउंटर पर बिल कटाओ और ले जाओ घर। और तो बीच बीच में आपको ऐसे टच देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप इससे आइडिया ले सकते हैं, जैसे आपने लैपटॉप लगा रखा है तो ये रिंग लाइट लगा रखी है भाई ने, तो काफ़ी बढ़िया सीन। कौन सा वाला? हाँ तो पंडित भाई ये वाला जो मैं आपने एक व्लॉग में देखा होगा, पंडित भाई के पास ये वाला रिंग लाइट लेके गए थे, तो इसे आप देख सकते हैं, यहीं से लेके गए थे। तो पंडित भाई यहीं से लेके गए थे, और सारा जो भी सामान आपने देखा है हमारे मोस्टली घर में तो वो आईकिया का ही है, और शाउट आउट टू पंडित भाई। काफ़ी अच्छे लैंप्स हैं यहाँ पे, साथ में प्राइस लगे हुए हैं हर चीज़ के, तो उस बात से आप आइडिया ले सकते हैं, आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी को जाके। और साथ में क्यू आर कोड भी लगे हुए हैं, और तो उससे भी आप देख सकते हैं जाके, और कुछ भी पर्सनल टच अपने रूम को, अपने बेडरूम को, अपने डाइनिंग हॉल को, जो भी आपके घर पर एरियाज़ हैं तो उनको आप दे सकते हैं। तो भाई एक चीज़ क्या बताऊँ, मतलब उरे सारी ही चीज़ें हैं, मतलब पूरी चीज़ें, मतलब घर की सिंगल चीज़ जो होती है ना सारी हैं यहाँ पे, डस्टबिन भी मिलते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, सोच के देखो, इस बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि आप चीज़ बोलो और इनके पास मिलेगी आपको। व्हाट अ वंडरफुल जगह। और ये कुछ साफ करने के लिए भी रखे हैं इन्होंने सामान, सब कुछ ही है यार इनके पास, तो हद ही होगी ये तो, ऐसी भी क्या जगह बना दी है इन्होंने। वाओ गोरो, शॉर्ट आउट यू एज वेल। तो भाई बेचने से पहले ना, जैसे हैंगर बेच रहे जैसे, तो डिस्प्ले कर रखा कि आपके कपड़े कैसे लगेंगे उस पर टांगे हुए, तो काफ़ी यूनिक टच है ये, मतलब हर चीज़ में इतना यूनिकनेस, तो वो देख के बड़ी ही खुशी हो रही है दिल से, मजाक नहीं। तो यहाँ पहुँच गए भाई बाथरूम वाले सेक्शन में, जैसे मैंने कह रखा यहाँ पे कुछ 29 कुछ सेक्शन है पंडित भाई कह रहे, तो ये अपना बाथरूम वाला सेक्शन है, और यहाँ पे जो भी आपको बाथरूम के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं और खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो ये बाथरोब, और जैसे मतलब होटल में जैसे चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी यार भाई आपको, सारी चीज़ें ये बाथरोब्स, और प्राइस काफ़ी सुंदर, अति सुंदर,
लड़के कन्फ्यूज हो चुके हैं कि क्या खरीदें और क्या छोड़ें। यहाँ पे तो भाई 1 करोड़ रुपया लेके आओ और 1 करोड़ ही खर्च दो पूरा एक ही बार में। पंडित आपके ख्याल से कितने पैसे लेके आए एक बंदा तो यहाँ पे सारी चीजें खरीद सकता है जितनी भी सिंगल सिंगल सारी अंबानी की सारी प्रॉपर्टी लगा देंगे तब भी कम है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं भाई यहाँ पे, जितना मर्जी पैसा लगा दो, जितना मर्जी हद अंत काल को छू जाएगा आपका पैसा, इतना पैसा खर्च दो तब भी यहाँ की सारी चीजें नहीं आएंगी। तो भाई जैसे इंडिया में हम अपना घर बनाते हैं और मतलब हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं हर चीज़ की, कि कोई चीज़ कहीं लेके आनी है, कहीं से लेके आनी है और कोई चीज़ कहीं से लेके आनी है, काफ़ी बस नमस्ती है उस चीज़ की। तो इन्होंने वो चीज़ कट ऑफ कर दी है पूरी और सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएंगी। तो आप सारी चीज़ें एक ही जगह से खरीद सकते हैं और कोई भी अपने घर को जो भी आपको जिस अकॉर्डिंग आपको अपना घर बनाना है वो बना सकते हैं आराम से। और मेरे ख्याल से ये प्रोसेस काफ़ी चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आप बना बनाया जो घर लेते हैं यहाँ पे इन कंट्रीज़ में, उससे ये चीप प्रोसेस पड़ता है। क्या बोलते पंडित भाई कि मतलब ये प्रोसेस उससे सस्ता पड़ता है जैसे बना बनाया घर लें तो, मतलब यहाँ पे आप पूरा घर अपना एक खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ सस्ती पड़ती है कि महंगी पड़ती है आपके अकॉर्डिंग? आप तो यहीं के हैं आपको पता ही है, सस्ती पड़ती है ना उस अकॉर्डिंग जैसे आप बना बनाया किसी डिजाइनर के अकॉर्डिंग खरीदो जो भी है ना अपने हिसाब से टच कर सकते हैं। बिल्डर के पास जाओगे बिल्डर अपना आपको पैकेज देगा, भी देखा ऐसा बना देगा। हाँ हाँ वो उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये यूजुअली नए घर पे बहुत कम यूज करते हैं, रेनोवेशन पे ज्यादा यूज करते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, पुराना घर खरीद लिया सारा रेनोवेट कर दिया। काफी यूनिकनेस है इस चीज में, नहीं हाँ। मतलब एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। इनसे बात भी करो, डिस्कस करते हैं प्रॉपर के भी आपको कैसा बनवाना, क्या थीम चाहिए। अच्छा मतलब ये आपको एडवाइस भी करते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, सही है। मतलब लिटरली सी प्रॉपर एक बंदा आपके साथ घूमेगा, पूरे पसंद करवाएगा। ये ठीक है। तो घूमते मतलब बीच में इन्होंने ये ऐसे फिर से डिस्प्ले से लगा रखे हैं जैसे कि मैंने कही थी, तो आप आइडिया ले सकते हैं इस चीज का कि आपको जो भी चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। तो यो आ गया भाई अपना बेड्स का सेक्शन और ये देख सकते हैं आप अपने बेडरूम को जो भी आपको पर्सनल टच देना है तो ये यहाँ से खरीद सकते हैं आप चीज़ें अपने मास्टर बेडरूम या बच्चों के बेडरूम के लिए। तो ये देखो भाई वैरायटी, जैसे इंडिया में हमारी मम्मी लड़ा भी वैरायटी नहीं मिली भाई किसी घर पे, मतलब किसी शॉप पे जब गए तो घर के अपने घर के अकॉर्डिंग मतलब पर्दे मैच नहीं हुए चादर के साथ या जो भी है अपने पेंट दीवार के साथ अपने वो पर्दे नहीं मैच हुए चादर नहीं मैच हुई। तो यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि आप सारी चीज़ें मैच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो काफ़ी सुंदर। तो ये व्लॉग शूट करते करते मेरे को एक चीज़ समझ आ गई है कि भाई एक व्लॉग में ये सब कुछ दिखाना इज़ इम्पॉसिबल। तो पंडित भाई बोल रहे हैं कि हम मतलब हम बड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ले गए हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे बिजी शेड्यूल में जैसे कि मैंने बता रखा है, तो एक दिन में ये सब चीज़ें कवर करना मैंने पहले कह रखी थी कि आई के इतना बड़ा है कि एक दिन में कवर करना इज़ इम्पॉसिबल। तो मेन दिखाऊंगा आज और किसी दिन टाइम निकाल के आऊँगा तो सुबह ही आ जाऊँगा 8 बजे और शाम के 8 बजे तक घूमता रहूँगा क्योंकि इतनी बड़ी जगह है। मतलब मैंने बाहर से भी दिखा रखा, बाहर से दिखाऊँगा एक बार कि इतनी बड़ी जगह है ना मैं आपको दिखा नहीं सकता। इट्स लाइक ए फैक्ट्री, मतलब बहुत मल्टीनेशनल फैक्ट्री जैसी होती है वैसे है। तो घूम घूम के आप थक जाओगे पर ये ख़त्म नहीं होगा भाई, एक दिन में तो नहीं होगा, मतलब 1-2 घंटे में तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। और जो भी मैं चीज़ें अभी तक दिखा रहा हूँ जिन भी लोगों को मेरी ये बातें पसंद आ रही हैं या चीज़ें देख के पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो गाइस। आप लाइक नहीं करते, आप वीडियो देख तो लेते हो और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल अपकमिंग व्लॉग के लिए। और ये व्लॉग बनाते बनाते मेरे को फिर से एक बात ठनक गई है दिमाग में कि काफ़ी बड़ा व्लॉग हो सकता है ये, तो मैं एक काम करूँगा इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करूँगा ताकि आपको भी बड़ी लेंथी ना लगे ये वीडियो देखने में, और इसके 2 पार्ट बनाते हैं फिर IKEA Part 1 और IKEA Part 2। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को कि जब Part 2 आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज, क्योंकि जो चीज़ मेरे को दिखी है ना अभी मतलब अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप मतलब चौंक जाओगे मतलब देख के। और ये अब जो दिन की जो मेरी मोस्टली जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं कवर करता हूँ बीच में काट के इस क्लिप को, और तो लाइक कर लीजिए वीडियो, थैंक यू गाइज और जुड़े रहिए। तो ले भाई फाइनली आफ्टर हेक्टिक शेड्यूल इतनी दूर अपना कहाँ पे थी वो जगह, मेंडिसन पार्क कौन सा था माजडन पार्क जो भी है क्या पता लगा। तो तुम्हारा भाई फाइनली घर पहुँच चुका है और देखते हैं अब अपनी कोई अगली एक्टिविटी करते हैं।
और घर पे पहुंचते ही लड़के बोल रहे हैं भाई पठानिया भाई बेलपुरी का इंतजाम कर दिया जाए। यो पैकेट कन्हैया से लेके आए थे भाई, लग रहे बनाने बेलपुरी पूरा इंडियन स्टाइल, गैस पूरी 20% गैस शेर सिरे दी बेलपुरी देखो भाई मौज काट दी वाह मौज वाली चटपटी बेलपुरी। ओ ये लेके आए थे इंडियन स्टोर से, खा के देख लीजिए भाई कैसी लग रही, खा के देख जल्दी जल्दी खा। ओ माय गॉड फर्स्ट इंप्रेशन ओ माय गॉड बढ़िया। जैसा कि मैंने अभी तक पार्ट वन में दिखाया, हम अराउंड 12 बजे निकले थे दोपहर के और 4 बजे हमारे ऋषि भाई का कुछ ज़रूरी काम था तो उसके लिए हमें वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा, तो एक दो घंटा रुके थे हम आइकिया विजिट पार्ट वन में, बट मतलब दोनों पार्ट दोनों साथ में कवर कर लिए थे, बट फिर उसको फ़ोन आ गया तो निकलना पड़ा वहाँ से एमरजेंसी में। और जितना भी अगर अभी तक आपको ये पार्ट वन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लें। और मैं घर पहुंचा था 4 बजे, मतलब 4:30 बजे पहुंचे थे हम, और अभी मैं खा पी के लेटा ही था और फ़ोन आ गया कि मिस्टर पठानिया यू वांट सम एक्स्ट्रा मनी, तो मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ ये कोई पूछने की बात है, तो अब तुम्हारा भाई जा रहा है पूरे 7 बजे काम पे, 2-3 घंटे करूँगा ज़्यादा नहीं करूँगा आज क्योंकि थर्सडे आज और थर्सडे वाले दिन मैं ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, मैं मोस्टली वीकेंड्स ही काम करता हूँ, वो मैंने बता रखा है एक ब्लॉग में कि मैं वीकेंड्स पे क्यों काम करता हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। और अब मैं जाता हूँ सीधा काम पे और ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए आज अब मिलता हूँ मैं आपको सीधा जिम के बाद, या इन बिटवीन अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होती है तो वो आपको मैं साझा करता हूँ, तो जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज। सो गाइज दैट्स अ रैप फॉर आइकिया पार्ट वन, आइकिया विजिट पार्ट वन, और काफ़ी अच्छा रहा आज का सेशन भी, आर्यन भाई भी हमारे साथ थे और शोल्डर्स की एक्सरसाइज करी आज, बढ़िया रहा। और ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।